मैं चाइना की एक ऐसी स्ट्रीट में हूँ जिस जगह पे आपको सब्जियाँ फल और अगर ये छोटी सी एक मार्केट है, एक गली है स्ट्रीट लंबी सी, आप इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के फल खरीद सकते हैं और सब्जियाँ खरीद सकते हैं। मोस्टली अगर आपको फल अवेलेबल होंगे, मैं आपको फल दिखाता हूँ। इनके ये देखें, ये नाशपाती है, इनकी 7 युआन की आपको एक मिल जाएगी। ये इसी तरह ये देखें, ये एप्पल है, ये 5.5 युआन के, ये मैंगोस, वाटरमेलन्स, और ये भी आपको मैंगोस नजर आएंगे, वो थोड़े पुराने थे, ये नए वाले फ्रेश मैंगोस हैं। ये देखिए इनके प्राइस भी लिखी हुई है सामने। ये ड्रैगन फ्रूट है इनका, बड़ा ज़बरदस्त है। एक दफ़ा पाकिस्तान में मैंने जो कैक्टस है उसके ऊपर से उतारा था, पहले तो मुझे यह ना पता चला, लेकिन इनकी कैक्टस पे भी देखिए कितना ज़बरदस्त है। कैक्टस के ऊपर जो है ड्रैगन फ्रूट लगता है और अंदर से बड़ा ही डिलीशियस, बड़ा मज़ेदार होता है। ये बेर है इधर, बेर नहीं बल्कि ये जो हम लोग आलू बुखारा है, कच्चा आलू बुखारा, ये इधर मिल जाएगा आपको। ये भी एक देखिए फ्रूट है, ये अक्सर हमें बागीजना में नज़र आता है, लेकिन मैंने कहा यार ये पता नहीं क्या होता है, उधर कच्चा ही बड़ा होता है। मैं जब भी बागीजना में वॉक करने के लिए जाता हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला ये बिल्कुल एक ज़बरदस्त फ्रूट है। ये आपके पास जो है ग्रेप्स है, चेरीज, ये देखिए लुकाटे भी आपको मिल जाएंगी यहाँ से वैसे ही। ये बनानास देखें, क्या बड़े डिफरेंट टाइप्स के बनानास आपको मिलेंगे। ये थोड़े से डब्बू टाइप के बनानास हैं, इनकी ये प्राइस है सामने। और उसके बाद ये महंगे हैं, ये वाले सस्ते हैं, इनके बनाना ये हाफ़ के जी, जो भी प्राइस लिखी हुई है हाफ़ के जी की प्राइस है इनकी। इधर हर चीज़ हाफ़ के जी में आमतौर पर मिलती है आपको। ये भी देखिए आपके पास, ये आपके पास जो है उसमिया है, तो ये भी इनका फ्रूट है, बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन मैंने एक दफ़ा खाया था, कोई मज़ा ना आया जैसे खा कर। इधर आ जाए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इनके ये ग्रेप्स हैं, आपको नज़र आएंगे डिफरेंट ग्रेप्स। ये भी ग्रेप्स की टाइप्स आपको नज़र आ रही हैं, डिफरेंट किस्म की। ये वाटरमेलन नज़र आएगा, ऊपर आपको गर्मा भी नज़र आएगा इसके। ये आपके पास जो है लीची है, ये वाटरमेलन देखें कितनी खूबसूरत किस्म ने पैक किए हुए, कितनी इज्जत करते हैं ये वाटरमेलन। तो हम लोगों ने इनके साथ क्या सलूक किया हुआ, ट्रकों पर कैसे बेच रहे थे, देखिए कितने नाइस तरीके से बिक रहे हैं। इतना सा पीस है कि 4.5 RMB का है, तकरीबन 250 रुपये का हम लोग कह सकते हैं, 230 रुपये का ये छोटा सा पीस, ये वाला पीस ये देखिए। तो इतने का हम एक बड़ा सा तरबूज मिल जाता है, इतने को मीठे भी नहीं है, मैंने खा के देखे तो इतने डिलीशियस नहीं है, मीठे नहीं है, बस वाटरमेलन है। हम अपने पाकिस्तान की कदर नहीं करते। आ जाइए जी, नेक्स्ट देखते हैं। ये ग्रॉसरी की शॉप है, इधर से आप ग्रॉसरी को खरीद सकते हैं। ये देखिए जी, जो भी आपको फ़िश पसंद आए आप इसको पकड़ें, निकालें, तुलवाएँ और अपने घर ले जाएँ, जाकर बनाए रखें। ये देखें इसमें भी बड़ी फिश, वो ये देखें एक तो मरने वाली है इसके अंदर, बिल्कुल उल्टी हुई है। लोग आते हैं इसमें से निकालते हैं, अपने मतलब की फिश और वो ले जाते हैं, डिफरेंट किस्म के बिल्कुल। इधर मछलियों की शॉप से जो आपको स्मेल आती है वो भी आ रही है इस वगैरह। और ये ज़बरदस्त है, ये मेंढक भी इधर आपको मिलेंगे, इनको पानी में नहलाया गया। ये मेंढक आप लें अपने मतलब का, कितने बड़े बड़े मेंढक हैं, आपको इस पिंजरे में से नज़र नहीं आ रहे होंगे सही, उनको खोल के दिखाता हूँ आपको ऊपर से। ओह ये देखें बैठे हुए कितने मेंढक, ओह जंपिंग भी कर रहे हैं, और तकरीबन ये मैं कह सकता हूँ 350 ग्राम का एक मेंढक होगा वो ऊपर आया। ये आप मेंढक लें और बनाए और खाएँ, वाह ज़बरदस्त है। ये देखिए आपको कितना बड़ा कद्दू मिला है, ये भी आधा कट चुका हुआ, इतना बड़ा कद्दू जी ये आप एक ले रहे हैं। इसका वेट इस पर मेरा ख्याल है कि कोई 20 से 25 kg होगा, इतने से कद्दू का, अभी भी आधा कट चुका हुआ। ये पोटैटोज और ये आपके पास अनियन, बाकी चीज़ें जो पाकिस्तान में मिलती हैं उसी किस्म की, आपको एक कैबेज वगैरह और चीज़ें मिलेंगे। आधा हिस्सा रखा हुआ लेके और आधा इसने अपने पास रख लिया, मुझे मिल गया आधा हिस्सा भी इसका। तो कहते नहीं कम्प्लीट करें पार्ट को, तो मैंने आधा भी ढूंढ लिया। फंगे दिस वन एंड दिस वन इज द सेम राइट, दिस वन एंड दैट वन, यू टुक द हाफ फ्रॉम दैट गाय राइट, दिस वन इज द सेम सेम ब्रदर, दिस वन ब्रदर फंगे राइट, फंगे फंगे दिस वन ओके। ये देखिए जी आधा ये है, आधा इसका भाई वो पड़ा हुआ वो पीछे भाई जन के पास, ये रहा और वो रहा। ये जी आपको मिल जाएंगे, बताऊं इधर से, ये इनके टमाटर और ये देखें काफ़ी चीज़ें आते जाएंगी देखते हैं। ये मुर्गियां लेटी पड़ी हुई हैं, देखें एक काले कलर की मुर्गी भी है जो आपको मिलेगी, ब्लैक आदि मुर्गियाँ लें और खाएँ। इसके सिर्फ पाँव ब्लैक हैं, ये पूरी ब्लैक है, ब्लैक मुर्गी देखिए किसी ने आज तक, ब्लैक मुर्गी भी मिलेगी आपके यहाँ से। इनके एग्स भी साथ ही पड़े हैं, इन्होंने एग्स ले किए और उसके बाद ये बेचारी साथ और आग लेट गई,
आपको मिल जाएंगी यहाँ से। आउटस्टैंडिंग, ज़बरदस्त, ये आपके पास बच्चों से रिलेटेड और बल्कि ड्राई फ्रूट से रिलेटेड शॉप है। ये खाएं, इतनी कोई मज़े की चीज़ें नहीं होती हैं। मैं आमतौर पर इनसे ये वाले लेता हूँ, सूरजमुखी के बीज जो हैं, ये भी क्वालिटी वाइज है, 10 युआन के आधा किलो, ये भी 10 युआन के, ये 11 के हैं। वो साइज़ पे डिपेंड करता है, क्वालिटी पे डिपेंड करता है, ये भी 11 के हैं। कुछ फ्रॉस्टेड हैं और कुछ अनफ्रॉस्टेड। ये अखरोट है, पिस्ताचीज़ और ये जो कैशूज हैं पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है काफ़ी सस्ते हैं और डिफरेंट अच्छा आपको मिल जाते हैं। एलमंड्स भी हैं, इधर आप देखें, उधर भी आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आएंगी। ये कुछ इस तरह की कुछ और भी ड्राई फ्रूट्स हैं, स्मेल आ रही है, देखें ड्राई मशरूम्स, ये भी कुछ ऐसे ही इनकी जड़ी बूटियाँ सी हैं, खुश कोई भी, मैं इनके बारे में नहीं जानता ज़्यादा। ये भी जो दरख्तों के ऊपर से निकलती है गूंद वगैरह जिसे कहते हैं, ये वो है, आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें हैं। आ जाए जी, इससे भी देखते हैं ये क्या है। बहरहाल जी, जो इनके नाम जानता है वो कमेंट सेक्शन में बता दें कि इनके क्या क्या नाम हैं, मुझे तो नाम लिखे नहीं आते। ये आपको जैसे जो है छोटी छोटी जो दालें हैं वो भी मिल जाएंगी, डिफरेंट किस्म की दालें, ये देखें, बीन्स, ब्राउन बीन्स हैं, वाइट बीन्स हैं, चावल हैं, ये लड्डू चावल टाइप के लड्डू चावल हैं इधर, ये भी बीन्स हैं, ये लोबिया, ये देखें, ये भी बीन्स, डिफरेंट टाइप के बीन्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। ये जी चाइनीज़ हैं आपके पास, जो आपको बड़ा वेलकम करते हैं। फॉरनर्स दोबारा आना शुरू हुए हैं तो बड़े खुश हैं कि फॉरनर्स आ रहे हैं, क्योंकि चाइना पिछले 3 साल से बेचारा बड़े ही बुरे हालात से गुजर रहा है और कोविड है दोबारा आ चुका हुआ है, उस वजह से ये काफ़ी परेशान है। तो ये इनकी एक मार्केट थी, मैं चाइना में जब भी आता हूँ, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, उसके गेट ये शॉप्स हैं, दुकानें हैं, मैं इनको एक्सप्लोर जरूर करता हूँ, जाता हूँ, इनसे मिलता जुलता हूँ, लेकिन चूँकि अब काफ़ी अर्सा हो चुका है मार्केट से, तो मैं कोई ऐसी चीज़ें खास परचेज़ नहीं करता हूँ, छोटे मोटे एक दो कंपोनेंट्स ले ली, अदरवाइज आप चूँकि फैक्ट्रियाँ मिल चुकी हैं, ये एक ऐसा इलाका है जिसे एक मानूस हो चुका हूँ, इधर रहना अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छे से इधर ही आ रहा हूँ, आता हूँ लोगों से मिलता हूँ, चला जाता हूँ, बाकी जो है फैक्ट्रियों से काम चलता रहता है, वो जाता हूँ, उनको विज़िट करता हूँ और सिर्फ आके अपने आप को अपडेट करता हूँ चीज़ों के बारे में, कि नई चीज़ें क्या आने वाली हैं, मार्केट कैसे चल रही है, चाइना किस तरफ जा रहा है, हालात कैसे हैं और हमें आगे क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो आप इस इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट में आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इधर आके कुछ चीज़ें ख़रीदेंगे तो आप उसके खुद ज़िम्मेदार होंगे, क्योंकि क्वालिटी मैं आपको एश्योर नहीं कर सकता इस मार्केट्स की, क्योंकि ये ऐसे ही है जैसा कि आप हॉलीवुड के अंदर शाल मार्केट में चले जाएँ, तो आप जब ले आते हैं चीज़ें तो फिर ही आपको पता चलता है कि क्वालिटी कैसी है, वो तो आप कहते हैं ना जा पे जाने या वहाँ पे जाने, तो मैंने इधर आके ये चीज़ें सीखी हैं, काफ़ी लोग हैं, बड़ी दो नंबरी है, आप नहीं जज कर सकते कि कौन सी चीज़ बेहतरीन है जब तक आप उसे ख़रीद नहीं लेते, खरीद कर लेके जाते हैं फिर आपको पता चलता हो अंदर क्या चीज़ थी। आपको मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, एक सिंपल सा एक रेगुलेटर है 7805 जो कि सर्किट्स में इस्तेमाल होता है, 5 वोल्ट का रेगुलेटर ऐसी है, उसकी कोई 10 किस्में हैं और प्राइस में इतना फ़र्क है कि एक 10 रुपये का तो एक 100 रुपये का, आप बिलीव ही नहीं कर सकते इस बातों पर। देखने में सब एक जैसे नज़र आते हैं, लेकिन जो टेक्निकल बंदा है उसकी आँख जो है वो बड़ी जल्दी जज कर लेते हैं चीज़ों को, फिर इस्तेमाल करने के बाद खुद ही आपको अंदाजा हो जाता है कि कैसी है। तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ कर लिया जाता है, उसको नहीं देखा जाता कि क्वालिटी कैसी है, वो सिर्फ यही देखते हैं कि हमें प्राइस बताएं, सर लोएस्ट प्राइस हमें दें बस। कि मैं एक शॉप पे हूँ, इधर आपको डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्केल्स भी मिल जाएंगे, ये डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक स्केल हैं, ये स्केल्स की बड़ी सी शॉप है, पुराने भी हैं, ये रिपेयर भी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, स्केल्स आप रिपेयर भी करते हुए नजर आएंगे ये बंदे आपको। ये बार अला पाकिस्तान में भी बनते हैं, पाकिस्तान से भी आप ये स्केल्स परचेज कर सकते हैं, चाइना से ले जाए लेना चाहते हैं चाइना से भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, टिल देन अल्लाह हाफिज़।